अजमेर में एक मोबाइल विक्रेता को बारिश के चलते 1.5 लाख रुपए की चपत लग गई। दरअसल घटना पुराने बस स्टैंड की है, जहां बारिश से बचने के लिए एक दिव्यांग अपने परिवार के साथ मोबाइल की दुकान की छत के नीचे खड़ा था और इसी दौरान मौका पाकर दिव्यांग ने दुकान के शटर का कुंदा काटा और दुकान में घुसकर 8 मोबाइल और 40,000 रुपए उड़ा लिए। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वहीं पीड़ित दुकान संचालक संदीप बंसल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर बदमाश दिव्यांग की तलाश भी शुरू कर दी है। आज सुबह जब मेरा पुत्र आयुष बंसल मेरी प्रतिष्ठान श्री लक्ष्मी मोबाइल को सुबह खोलने गया, तब उसे एक ताला कटा हुआ पाया गया और एक शटर का कुंदा टूटा हुआ पाया गया। शटर ऊंचा करने पर देखा तो उसने मोबाइल गायब थे। जब हमने चेक किया तो लगभग 8 मोबाइल, गल्ला चेक किया तो लगभग 40,000 रुपये गल्ले में पड़ा हुआ कैश वो गायब था। सीसीटीवी फुटेज जब चेक की तो एक विकलांग युवक अपने परिवार के साथ में यहाँ पे बारिश से बचने के हिसाब से आया और उसने थैलियाँ लगाकर थैलियों के आड़ में शटर और ताला कुंदा काटा, धीरे से शटर ऊंचा करा और अंदर आकर माचिस की रोशनी के अंदर, तीली की रोशनी के अंदर, और उसने मोबाइल गायब।